हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ जो 2024 तक भारत में 6G लॉन्च का दावा। भले ही 5G का आना अभी बाकी है, भारत 2023 या 24 की अंत तक 6G कनेक्टिविटी मानकों के लागू करने की राह पर है। घरेलू 5G और 6G टेक्नोलॉजी के मानक इन इंडिया रणनीतियों के लागू करने का संभावना है। 5G सेक्टम की नीलामी 2022 की दूसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। तेजी से सेलुलर कनेक्टिविटी एक आवश्यकता बन गया है और बढ़ती 5G टेक्निक उस और एक बड़ा धक्का है। हालांकि भारत की अभी 5G देखना बाकी है और इसके लॉन्च की 2022 तक धकेल दिया गया है। अब संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सपुष्टपूर्वक दावा किया है कि भारत 2023 या 24 के अंत तक 6G तकनीक का स्वदेशी रूप से विकास और तैनात करेगा। अगर सच है, यह भारत के खेल में सबसे आगे ला सकता है और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया जा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग गति प्रमुख रूप से आगे बढ़ती है जब देश भारत में 5G की विकास और प्रसार की बात आती है। तो भारत की घरेलू तकनीक को अपनाने और लागू करने के भी योजना है। भारत 2023 के अंत तक घरेलू 6G नेटवर्क को लागू करेगा। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा, वर्तमान में परियोजनाओं में निवेश करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके प्रयासों को साकार करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की जा चुकी है। 6G विकास पहले ही शुरू हो चुकी है। यह कहीं ना कहीं 2024 या 23 के अंत में देखा जाएगा। यही दिशा है जिसमें हम जा रहे हैं। हमने भारत में दूरसंचार सॉफ्टवेयर की चलने के लिए डिजाइन किया होगा। भारत में निर्मित दूरसंचार उपकरण भारत की दूरसंचार नेटवर्क में सेवा प्रदान करने है जो वैश्विक हो सकते हैं, मंत्री ने कहा। मंत्रालय का लक्ष्य स्वदेशी रूप से विकास 5G तकनीक के प्रचार और उपयोग द्वारा भारत में आगामी 5G बूम का घर हासिल करना है। 2022 की दूसरी तिमाही में होने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ 5G की समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके बाद 2022 की तीसरी तिमाही तक मुख्य घरेलू टेक्नोलॉजी की विकास का पूरा किया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए ट्राई भारतीय दूरसंचार नियम टेक्निक का एक संभव दिया गया है। उन्हें परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में फरवरी मार्च की समय सीमा में कहीं समाप्त हो जाने चाहिए। फिर नीलामी प्रक्रिया कलेक्ट वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में होगी, मंत्री ने कहा।